नरकटियागंज के निजी होटल में महागठबंधन नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह भरा गया। दीपक यादव ने अपने संबोधन में कहा कि विकास की गति को आगे बढ़ाना ही प्राथमिकता है। गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का बराबर सम्मान होगा। बैठक में कांग्रेस, माले, राजद के कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक में इंडिया प्रत्याशी श्री यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी और जनता ही क्षेत्र का विकास तय करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से तन मन से जुट जाने का आह्वान किया। बैठक है वो हमारे प्रखंड लेवल पे, हमारा जो इंडिया महागठबंधन है उसके सारे कार्यकर्ताओं का बैठक है। तो उसके अंदर हम लोगों का मेन ये है कि हम इस जो हमारा चुनाव आ रहा है 2024 का 25 मई का, उसमें हम इंडिया गठबंधन किस तरीके से हमारे वर्कर बूथ लेवल पे आज जिस तरीके से भी ये चुनाव लड़ेंगे उसकी प्रतिक्रिया का डिस्कशन था। कोई पब्लिक इसमें डिस्कशन नहीं है, बस हमारे वर्करों का एक मीटिंग था। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया? संदेश ये है कि जो व्यवस्था चल रही है हिंदुस्तान में, अगर उससे नाखुश है जनता तो हम विकल्प लेके आए हैं और उस विकल्प को लेके जनता के बीच में जाएं और बड़ी मजबूती से इस चुनाव को लड़े ताकि लोगों को एक विकल्प मिले, उनकी इच्छा को दबाया ना जाए। उनकी इच्छा अगर है बदलाव की तो बदलाव किया जाए। पर एक एक वोटर पहुंच जाए और हमारे पक्ष में मतदान करे, इसकी व्यवस्था कैसे करनी है इसको सोचने का समय है। और ये तभी संभव है जब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाएंगे। अगर हम सिर्फ घूमते रहेंगे यहाँ वहाँ तो इसी में बहुत सारा वक्त व्यर्थ में निकल जाएगा। जिस तरह से मुझे जिम्मेवारी दी गई अगर जोगा पट्टी की या जिसको भी जहाँ की जिम्मेवारी मिली है उसको टीम बनाकर, मेरा एक सुझाव है कि एक टीम बनाकर और उसमें महिलाओं को भी जोड़ा जाए ताकि हम घर घर पहुंचकर अपने सरकार की उपलब्धियों को उनको बता सके, उनको समझा सके कि आपको ये मतदान इसलिए करना है कि आपको अपना विकास चाहिए, आपको किसी और की पार्टी ये की छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि कौन व्यक्ति आपके विकास में सहायक होगा, किससे आपको फायदा है, कौन आपकी बातों को सुनेगा, आपकी बातों को लोकसभा तक रखेगा, कौन आपके दुख दर्दों को समझेगा। खासकर एक चीज और मैं दीपक जी से कहना चाहती हूँ, जिस तरह दीपक जल के रोशनी देती है तो हम महिलाओं को, हमारी बहनों को आपसे विशेष उम्मीद है कि आप अगर आएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खासकर नौजवान भाइयों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास बहुत ऊर्जा है, मगर एक बात याद रखिए, जो माँ आपको जन्म देती है, जो बहन आपके रक्षा की कामना करती है, उसमें बहुत शक्ति होती है। अगर आप उसको लेकर चलेंगे तो इस विजय को कोई आपसे दूर नहीं कर सकता है। कोई यह चुनाव बिहार की चुनाव नहीं है साथियों, यह चुनाव मुख्यमंत्री की चुनाव नहीं है साथियों, यह चुनाव प्रधानमंत्री की चुनाव है साथियों। यहाँ पर प्रधानमंत्री का यह चुनाव है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक एक सीट इंडिया गठबंधन का आगे बढ़ेगा और जाकर के दिल्ली में हमारे इंडिया गठबंधन का वहां पर प्रधानमंत्री बनेगा। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये जो मूवमेंट हमारा इंडिया महागठबंधन का चल रहा है, इस मूवमेंट के लिए, संघर्ष के लिए हम लोगों को ये कार्य मिला है। हम प्रत्याशी हो या कोई भी प्रत्याशी हो, हम सब सबसे पहले कार्यकर्ता हैं। हम लोग, आज मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, हम लोगों को एक कार्य मिला है। कार्य ये मिला है कि हम यहाँ पे हमारा जो हमारी विचारधारा है इंडिया गठबंधन की, उस विचारधारा को हम लोगों को जमीन में से स्तंभ गाड़ के चंपारण की धरती पे उसका परचम लहराना है।